हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले रिव्यू ऑफ वेब सीरीज हाफ लव हाफ अरेंज। ये अमेजन मिनी टीवी पे फ्री में आई है और अमेजन प्राइम पर तो है ही। इसके 6 एपिसोड, हर एक एपिसोड 28 से 30 मिनट्स का है, तो ओवरऑल ये 3 घंटे का कंटेंट है। ये दोस्तों रोम कॉम टाइप का ये ड्रामा सीरीज है। ऐसा दिखा रहे कि मानवी गगरू करके जो लीड एक्ट्रेस है, जिसको हमने पहले भी बहुत सारी वेब सीरीज में, टीवीएफ की वेब सीरीज में देखा है, ट्रिपलिंग हो या फिर फोर मोर शॉर्ट्स हो, उसमें हमने देखा है, तो यहाँ किरदार कर रही है डॉक्टर रिया तनवर का। वो गायनेकोलॉजिस्ट है और उसकी लाइफ में सभी इतना पर्टिकुलर, इतनी स्पेसिफिक है ना, कि ये टाइम पे गायनेक हो जाना चाहिए, ये टाइम पे सीनियर रेसिडेंसी हो जानी चाहिए, इस टाइम पे शादी हो जानी चाहिए, इतने बच्चे हैं वगैरह वगैरह। तो उसकी लाइफ पूरी उसने प्लान करके रखी है। तो उसको प्लान में एक चीज़ आती है कि 30 पे उसका शादी होनी चाहिए। तो उसका एक बॉयफ्रेंड है, 3 साल से उसका रिलेशन चल रहा है, उसको ऐसा है कि नो मुझे प्रपोज करेगा, करना चाहिए, शादी की बात करनी है, फिर वो मना कर देता है। ये तो दोस्तों अगर ट्रेलर में आ ही गया है तो ये स्पॉइलर नहीं होगा। फिर बाद में क्या आता है दोस्तों, तो वो उसको चैलेंज करती है कि 6 मंथ में मेरी शादी हो जाएगी। और फिर उसकी बुआ होती है, वही ये शादी का काम करती है, अपना मैट्रिमोनल चलाती है। तो उसके थ्रू वो बहुत सारे लड़के देखती है, बहुत सारे 15, 17, 20 वो लड़के देख लेती है, और फिर वही स्टोरी दिखाते हैं। और एंड में एक जोगी करके एक किरदार आता है, तो उसके साथ उसका कुछ बॉन्डिंग बन रहा है, जो कि यहाँ प्ले कर रहा है करण वाही। दोस्तों ओवरऑल मैं निराश हुआ हूँ दोस्तों। अभी गायनेकोलॉजिस्ट पे बहुत सीरीज बन रही है, अभी अमेजन मिनी टीवी पे लास्ट आई थी हुज योर गायनेक, तो वो भी ठीक ठाक थी। मुझे बिंग सर्जन इतनी अच्छी नहीं लगी थी, ये वेब सीरीज भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक दो पहले 3 एपिसोड तक मुझे प्रॉमिसिंग लगा, अच्छा है। हाँ, कुछ उसमें ह्यूमर अच्छा है दोस्तों, ह्यूमर बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स हैं। उसकी बुआ बहुत अच्छी है, उसकी जो छोटी बहन है उसका भी थोड़ा थोड़ा ह्यूमर अच्छा आता है, तो इट इज़ गुड इन पार्ट्स। बाकी दोस्तों ओवरऑल आपको लगेगा कि एक ही चीज़ रिपीट हो रही है और कोई भी कैरेक्टर आपको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब जो ये डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट है जो फील कर रही है, तो हमको यार इतना कन्फ्यूजिंग लगेगा कि पहले 3 साल तक उसका बॉयफ्रेंड है, उसने डिश कर दिया, फिर दोस्तों अपने एक उसका तीन 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 फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, और एक लड़की है, एक लड़का है, और वो है रिया, तन्वी और आर्फ करके। तो उसके बीच में भी दोस्तों उसको आर्फ के लिए फीलिंग्स आ जाती है, और कुछ मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना बात, जोगी को मतलब उसको फ्रेंडशिप हो गई है जिसको, तो उसके साथ भी डेटिंग करती है, और जो मैट्रिमोनियल से लड़के आते हैं उसके साथ भी डेटिंग करती है, सुबह इसके साथ, शाम को इसके साथ, बीच बीच में कुछ गायनेकोलॉजिस्ट का भी दोस्तों वो जो प्रैक्टिस करती है वो भी दिखा देते हैं। और पर दोस्तों बहुत ही मतलब वेग जा रही है, पुअर डायरेक्शन, पुअर स्क्रीन प्ले, राइटिंग भी अच्छी नहीं है, इसमें थोड़ा कुछ ह्यूमर है, इसलिए मुश्किल से आप 3 घंटे बैठ पाएंगे, बाकी तो मुझे डिफिकल्ट लगा। एक्टिंग दोस्तों चलो ठीक है, सबकी एक्टिंग अच्छी है, पर एक्टिंग से तो सिर्फ काम नहीं चलता ना, प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, फिर भी दोस्तों बोलो कि यार ये पूरा एंड में तो आपको ऐसा होगा ना कि यार अभी क्या कर दिया, अभी हमने 3 घंटे बिगाड़ के यार हम देख रहे थे, कुछ तो अच्छा दिखाओ, मतलब कुछ तो यार सुकून दो। तो जो ये कैरेक्टर लीड एक्टर रिया तनवर का जो डॉक्टर का दिखाया है ना, तो वही पूरा मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, इमोशनल वाला नहीं है, और मुझे तो वही कनेक्ट नहीं किया कि यार ये कर, ये बंदी कर क्या रही है। मुझे एंड में तो आपको उसको चेंज करना चाहिए ना, अगर एंड में तो कुछ अच्छा दिखाना चाहिए, हम इतना पैशन रख के देख रहे हैं, तो यार ओवरऑल मैं नाखुश हुआ दोस्तों। मेरे तरफ से 2 स्टार आउट ऑफ 5। अगर आप बहुत ही फ्री है, आपको करने का कुछ काम नहीं है, आपने सभी चीज़ देख लिए, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको घटिया लगेगी, पर और बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज आई है दोस्तों, तो वो आप ट्राई कर लीजिए। आपके आपने सब कंटेंट देख लिया, बाद में इसको ट्राई करना, अगर आपने देख लिया तो मुझे बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच।